आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने माता मरियम के आदर में भक्ति गीतों को लिखा है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 10 अप्रैल को संपूर्ण कलीसिया संत फुलबर्ट का पर्व मनाती है। उनका जन्म 960 में फ्रांस में पिकार्डी इलाके में हुआ था। बचपन से ही कहा जाता था कि वे किसी दिन एक उच्च पद पर जाने वाले हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। जो भविष्यवाणी उनके बारे में कही गई थी वह पूर्ण होती है। 999 में संत पिता सिल्वेस्टर द्वितीय उनके संरक्षक और मार्गदर्शक थे। संत फुलबर्ट चार्ट्स में कैथेड्रल स्कूल के संस्थापक थे। उनकी बुद्धि एवं कौशलपूर्ण पढ़ाने के तरीकों से कई देशों के विद्यार्थी उनके विद्यालय में आकर अपना अध्ययन किया करते थे। दूर देशों से भी लोग उनके यहाँ आते थे, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड एवं अन्य देशों से लोग उनके वहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उनके विद्यार्थी उन्हें सुकरात के नाम से भी पुकारा करते थे, क्योंकि उनका तर्कपूर्ण तरीका एवं विचारधारा पूरी सुकरात के समान थी। संत फुलबर्ट ने 22 वर्षों तक चार्ट्स में धर्माध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही उन्होंने पादरियों के जीवन को सुधारा और श्रमिक जो चर्च के द्वारा जो उन्हें लाभ दिया जाता था उस लाभ से वे वंचित न हो जाए इसके लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने अपने धर्म प्रांत के साथ साथ अपने विश्वासियों के जीवन पर भी प्रभाव डाला। उनके जीवन को उन्होंने पवित्र बनाने का कार्य किया। उन्होंने अपने मित्र धर्माध्यक्षों के द्वारा दिए गए निर्णयों को भी स्वीकार किया जो सही थे और उनके धर्म प्रांत के लिए लाभदायक थे। उन्हें विशेष रूप से कवि के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने माता मरियम के आदर में कई गीतों को भी लिखा है। लोग उनके गीतों को गाकर ईश्वर की महिमा किया करते थे एवं ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते थे। उनके द्वारा कई चमत्कार किए गए, उनके द्वारा कई भविष्यवाणियां की गई और आज भी लोग उन्हें मानते हैं, उनका आदर करते हैं और सम्मान के द्वारा उन्हें पूछते हैं। उनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1029 में हुई। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी भक्तिमय हो, एक नई दिशा एक नई प्रेरणा प्रदान करें।